नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ECS T10 का जो मैच होने वाला है BCC वर्सेस PCC के बीच में मैच नंबर 9 जो खेला जाएगा 6:45 पर। तो दोस्तों, क्या मैच की पिच रिपोर्ट है, कौन कौन से प्लेयरों को आज के मैच में ट्राई कर सकते हैं और क्या हमारी आज की फैंटेसी यूनिक GL टीम रहेगी और कौन कौन सा प्लेयर आज के मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले पिच के बारे में बात करते हैं कि पिच किस प्रकार की है। तो दोस्तों, पिच आपको यहां पर बैलेंसड पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 32 मैच खेले जा चुके हैं। जो पहले बैटिंग करती है उसने 22 मुकाबले विन किए हैं, सेकंड बैटिंग करती है उसने 10 मुकाबले विन किए हैं। एवरेज स्कोर 109 का है। तो दोस्तों, पिच लगभग आपको बैटिंग की देखने को मिलेगी क्योंकि 109 का एवरेज स्कोर बहुत ज्यादा हो जाता है T10 के मैचों में। अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दे T20 में तो आप लगा सकते हो कम से कम 200 प्लस का स्कोर बन जाता है। तो T10 का मैच है तो 109 का एवरेज स्कोर है तो काफी ज्यादा एवरेज स्कोर है। BCC ने सबसे हाईएस्ट रन मारे हुए हैं 143 रन और PCC ने सबसे लोएस्ट स्कोर है 73 रन। तो T10 में ज्यादातर 73-80 रन ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन 109 का यहां पर टारगेट आपको लगभग देखने को मिल सकता है। तो पिच लगभग आपको बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे लास्ट के 5 मैचों के बारे में, जो पेसर्स ने कितनी विकेटें ली हैं, स्पिनर्स ने कितनी विकेट ली है। तो पेसर्स यहां पर 29 विकेटें निकाल पाए हैं और स्पिनर्स ओनली 10 विकेटें इस पिच पर अभी तक निकाल पाए हैं। तो दोस्तों, ये पिच रिपोर्ट है। अब बात करेंगे रीसेंट मैचों के बारे में कि रीसेंट मैचों में क्या परफॉर्मेंस रहा है इस पिच पर। तो दोस्तों, अभी रीसेंट में BCC वर्सेज BRN के बीच में मैच हुआ जिसमें 7 विकेटें पेसर्स लेके गए और यहां पर 2 विकेटें स्पिनर्स। और अगला मैच यहां पर हुआ PCC वर्सेस BCC के बीच में, ओनली 1 भी विकेट यहां पर स्पिनर्स को नहीं मिली, 7 विकेट पेसर्स निकाल के लेके गए। फिर PB वर्सेस PBRN के बीच में हुआ, 5 विकेट यहां पर स्पिनर्स, 7 विकेट पेसर्स। फिर PB वर्सेस PCC के बीच में मैच हुआ, 3 विकेट पेसर्स को मिली और यहां पर 3 विकेट स्पिनर्स को। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 3 मैचों में 7-7 विकेट पेसर्स निकाल के लेके आ रहे हैं। तो लगभग आज के मैच में भी आपको 7-8 विकेट पेसर्स निकालते हुए नजर आएंगे और लगभग 1 या 2 विकेट आपको स्पिनर्स निकालते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये रीसेंट मैच फॉर्म है। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हम मैच को अल्ट्रा क्लीनशिप करके जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि बैक टू बैक अपडेट आपको इस चैनल से प्रोवाइड होती रहे। और फाइनल टीम के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे BCC के प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले रक्षित के बारे में बात करेंगे, जो आपको ओपनिंग बैट्समैन में देखने को मिलेगा, और सिद्धार्थ आपको नंबर 2 का बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। रक्षित के बारे में बात करें, रिसेंट में 37 रन मार के आ रहे हैं, फिर 7 रन, 0 विकेट, 2 विकेट, फिर यहां पर 0 विकेट, 2 रन, 1 विकेट। अगर T10 रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो 3 विकेटें निकाल चुका है अभी तक 8 मैचों में, प्लस में 12 का एवरेज स्कोर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिद्धार्थ को आज के मैच में आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में भी ट्राई कर सकते हो। अभी रिसेंट में 88 रन प्लस में 2 विकेट, ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा। फिर 18 रन, 0 विकेट, 8 रन, 2 विकेट, 35 रन, 0 विकेट, 13 रन, 0 विकेट, 3 विकेट, फिर यहां पर 40 रन, 0 विकेट। तो दोस्तों, ये लगभग आपको 1 या 2 ओवर या 2 ओवर का पूरा स्पेल या 1 ओवर तो आपको कंफर्म करवाते हुए नजर आएगा। T10 रिकॉर्ड में 21 विकेटें निकाल चुका है 30 मैचों में, प्लस में 21 की एवरेज स्कोर है। तो CVC के लिए बेस्ट है आपके लिए प्लेयर है, कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में जा सकते हो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम में। नेबल मोहम्मद के बारे में बात करें, रिसेंट में 18-17 रन की पारी खेली है और T10 रिकॉर्ड में 35 का एवरेज स्कोर है, 2 मैच खेल चुका है अभी तक। अमोद एदन के बारे में बात करें, जो आपको विकेट कीपर के तौर पर देखने को मिलेगा, रिसेंट में 28-15 रन की पारी खेली है और T10 रिकॉर्ड में 24 मैचों में 223 रन है 13 के एवरेज स्कोर से। अनिल सैनी के बारे में बात करें, नंबर 5 का बैटिंग ऑर्डर, रिसेंट में 2 विकेट लेके आ रहा है, फिर 1 रन है, फिर यहां पर 0 रन, फिर यहां पर 2 विकेट, फिर 1 रन है और T10 रिकॉर्ड में 5 मैचों में 4 विकेटें निकाल चुका है और अभी तक 2 ही रन मारे हैं। तो ये आपको बॉलिंग से परफॉर्मेंस करके दे सकता है। जॉय कोप के बारे में बात करेंगे दोस्तों, रिसेंट में 2 विकेट लेके आ रहा है, फिर 0 रन, 0 विकेट है, फिर 0 रन, 2 विकेट है, फिर यहां पर 0 विकेट है, फिर 1 विकेट है, फिर 0 विकेट है। T10 रिकॉर्ड में 6 विकेटें निकाल चुका है, नंबर 6 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आ सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे BCC के प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं जो बाकी के हमारे प्लेयर बचते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है। अब्दुल के बारे में बात करें, रिसेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वेन्यू पे भी अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यहां पर अगले प्लेयर के बारे में बात करते हैं, वेंकटेश के बारे में, रिसेंट में 1 विकेट लेके आ रहा है, फिर 0 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट। तो टोटल 22 मैचों में 12 विकेटें निकाल पाया है अभी तक।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं इसको अपनी फाइनल टीम में ड्रॉप करूंगा। ग्रैंड लीग टीम में भी आप इसको ड्रॉप करके चल सकते हो। इसकी जगह जो आपके लिए बेस्ट प्लेयर बन सकता है, यहां पर आप सेकंड जो टीम है उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से प्लेयरों को इस प्लेयर की जगह आप ट्राई कर सकते हो। नितिन मेल के बारे में बात करें, रिसेंट में 0 विकेट, फिर 2 रन, 0 विकेट है। T10 रिकॉर्ड में 0 विकेट है, 2 मैच खेले हैं जिसमें 2 ही रन मारे हैं अभी तक। शुभ्रांशु के बारे में बात करेंगे, रिसेंट में 0 विकेट, फिर 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 21 मैचों में 15 विकेट निकाल चुका है अभी तक। तो दोस्तों इसकी जगह ये भी प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए बेस्ट है। डैनी के बारे में बात करते हैं, डैनी ओ'कॉनर के बारे में, रिसेंट में 0 विकेट, फिर 1 विकेट, और T10 रिकॉर्ड में 2 मैचों में 1 विकेट निकाल चुका है अभी तक। तो ये प्लेयर परफॉर्मेंस हमारी VCC के टीम का आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे PCC का प्लेयर परफॉर्मेंस, यहां पर देवजी के बारे में बात करें जो आपको ओपनिंग बैट्समैन में देखने को मिलेगा, 11 रन रिसेंट में मार के आ रहा है, फिर फ्लॉप, फिर 0 विकेट, फिर 11 रन, 0 विकेट, 50 रन, T10 रिकॉर्ड में 70 मैचों में 43 विकेटें निकाल चुका है, प्लस में 25 की एवरेज स्कोर है दोस्तों। तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, CBC में भी ट्राई कर सकते हो, कभी भी आपको 50 रन की पारी देखने को मिल सकती है। यहां पर नेम लाला के बारे में बात करें, रिसेंट में 3 रन, फिर 72 रन, प्लस में 1 विकेट। तो अभी रिसेंट में फ्लॉप रहा था, लेकिन उससे पहले वाले मैच में, ये इसके 2 पहले के मैच है जिसमें 1 में 57 रन, 1 विकेट है, फिर 72 रन, 1 विकेट है। T10 रिकॉर्ड में 79 का एवरेज स्कोर है। तो दोस्तों गजब का प्लेयर है, नंबर 2 पे बैटिंग ऑर्डर है, और इसको आप कहीं ना कहीं CBC में ट्राई कर सकते हो। रितिक तोमर के बारे में बात करें, ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा, रिसेंट में 64 रन मार के आ रहा है, और T10 रिकॉर्ड में 25 विकेटें निकाल चुका है, प्लस में 28 का एवरेज स्कोर है। सुदेश के बारे में बात करें, ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा, रिसेंट में 51 रन, प्लस में 2 विकेट है, फिर यहां पर 8 रन की 1 पारी है, T10 रिकॉर्ड में 2 विकेटें निकाल चुका है, प्लस में 51 का एवरेज स्कोर है दोस्तों। अब यहां पर आदित्य के बारे में बात करें, रिसेंट में 29 रन, फिर 27 रन है, T10 रिकॉर्ड में 56 का एवरेज स्कोर है, क्योंकि एक ही मैच में 56 रन मारे हुए हैं, ठीक ठाक एवरेज स्कोर है। फयाज नूरी के बारे में बात करें, रिसेंट में 2 विकेट लेके आ रहा है, फिर 0 विकेट है, फिर 2 मैचों में 2 विकेट निकाल चुका है अभी तक। तो ये हमारे प्लेयर परफॉर्मेंस PCC की टीम के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपना प्यार फटाफट से वीडियो पे दिखाते चलें। अब बात करते हैं शोभान की, रिसेंट में फ्लॉप है, और T10 में अभी तक दोस्तों इसकी बैटिंग बॉलिंग कुछ भी इसको अभी तक नहीं मिल रहा, ओनली फील्डिंग करवा रहे हैं इससे। तो मेरे को लगता है कि इसको या तो ड्रॉप कर दो, इसकी जगह कोई सेकंड प्लेयर आप यहां पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 2 मैच खेल चुका है, ना ही बॉलिंग ना ही बैटिंग, ओनली फील्डिंग करवा रहे हैं अभी तक इससे। मीत ठक्कर के बारे में बात करें, रिसेंट में ये इसका भी यही हाल है, दोनों प्लेयरों को सिर्फ फील्डिंग करवा रहे हैं, ना तो बॉलिंग ना बैटिंग, दोनों में से कुछ भी नहीं करवा रहे। तो कहीं ना कहीं इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो बैक टू बैक इनकी ना तो ये है कि आपको 5, 7, 10, 12 पॉइंट दे सकते हैं 1-2 कैच लेके। तो जो थॉम्स के बारे में बात करें, रिसेंट में ये भी फ्लॉप है, 6 की एवरेज स्कोर है, प्लस में 1 विकेट निकाल चुका है। नवीन बैक टू बैक विकेट लेके आ रहा है, और यहां पर डेविड सोन के बारे में बात करें, रिसेंट में 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, और T10 रिकॉर्ड में 3 विकेटें, लेकिन ये जो नवीन है ये 30 मैचों में 23 विकेटें निकाल चुका है अभी तक। तो दोस्तों ये प्लेयर परफॉर्मेंस PCC की टीम का देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आज के फैंटेसी के टॉप पिक प्लेयर, दोस्तों कौन से प्लेयर रहेंगे, तो इनके ऊपर आज के मैच में रिस्क ले सकते हो। कैप्टन वॉइस कैप्टनसी आज के मैच में नेम लाला के ऊपर काफी ज्यादा कैप्टन वॉइस कैप्टनसी देखने को मिलेगी, सिद्धार्थ गौड़ के ऊपर भी आपको काफी ज्यादा कैप्टन वॉइस कैप्टनसी देखने को मिलेगी, यहां पर रितिक को भी काफी ज्यादा कैप्टन वॉइस कैप्टनसी लगाने वाले हैं आज के मैच में। ये 3 ही आपके लिए कैप्टन वॉइस कैप्टनसी च्वाइस है, इससे बाहर आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी मत देना, क्योंकि ये आपको ओपनिंग बैट्समैन 1 डाउन में आपको देखने को मिलेंगे, और पूरे अपने 2 ओवर भी करवाते हुए नजर आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हमारी फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में। तो दोस्तों ये हमारी आज की फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी, जिसमें मैंने नेम लाला को कैप्टनसी में रखा है, सिद्धार्थ गौड़ को यहां पर वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करने वाला हूं, यहां पर मैंने रितिक तोमर को पिछले मैच में वॉइस कैप्टनसी में ट्राई किया था, तो आज के मैच में मैं यहां पर सिद्धार्थ को वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करने वाला हूं। ये मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी, और कोई अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखना बैक टू बैक अपडेट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।